नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास सेवन के जो हिस्ट्री है उसका चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, तुगलक काल 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी। इसके पहले मैंने तीन वीडियो बनाया, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। खिलजी वंश के बाद दिल्ली में तुगलक वंश का शासन स्थापित हुआ। तुगलक वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार सुदूर दक्षिण तक कर दिया। इस वंश के शासकों ने राज्य के विस्तार के साथ साथ प्रजाहित के कार्यों जैसे सड़क, पुल, नहर, चिकित्सालय आदि के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी। तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति को त्याग कर उदारता की नीति अपनाई। उन्होंने प्रजा के असंतोष को कम करने के लिए कर को कम किया, साथ ही कृषि को प्रोत्साहन किया। तुगलक काल में जो खिलजी वंश के बाद जो है दिल्ली में तुगलक वंश का शासन जो स्थापित हुआ, तो गयासुद्दीन तुगलक जो है ये प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो भी कठोर नियम था उसको इसने त्याग कर उदारता की नीति अपनाई। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक इसने शासन किया, मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में सुल्तान बना। उन्हें दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान माना जाता था। इन्हीं के शासनकाल में मोरक्को की यात्री इब्न बतूता भारत आया। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में भारत यात्रा का वर्णन किया है। इब्न बतूता जो था, जो मोरक्को का यात्री था, वो भारत आया था। वो आया था किसके शासनकाल में आया था? वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद तुगलक की योजनाएं, सुल्तान ने साम्राज्य की प्रगति और सुव्यवस्था के लिए कई नवीन योजनाएं चलाई जिससे आर्थिक सुधार हो सके। सुल्तान के द्वारा चलाई गई ये योजनाएं प्रायः असफल रहीं क्योंकि उसने उनको सही तरीके से लागू नहीं किया। ये योजनाएं निम्नवत थीं। दोआब में कर वृद्धि। राज्य की आय बढ़ने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा एवं यमुना के बीच समृद्ध एवं उर्वरक भूमि दोआब में कर बढ़ाने का एक प्रयोग किया। उसने वहां भूमि कर में वृद्धि की थी। कुछ अन्य करों की भी वसूली शुरू कर दी। जिस समय यह कर लगाया गया उस समय यहां भयानक अकाल पड़ा था, किंतु निरंकुश शासक के भय से अधिकारियों ने सुल्तान को इसकी जानकारी नहीं दी एवं बड़े कर की वसूली जारी रखी। अतः खेत बर्बाद हो गए तथा किसान अपने घर छोड़कर जंगलों में छिप गए। इन कारणों से लोगों ने कर देने से इनकार कर दिया और विद्रोह कर दिया। बाद में सुल्तान ने राहत के लिए बीज व ऋण की व्यवस्था भी की, किंतु तब तक विलंब हो चुका था। अतः सुल्तान की कर बढ़ाने की योजना असफल हो गई। उसके बाद है राजधानी परिवर्तन में क्या इसकी चूक हुई। राजधानी परिवर्तन वस्तुतः एक द्वितीय राजधानी की योजना थी। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल तक दिल्ली सल्तनत का राज्य एक बड़े साम्राज्य का रूप धारण कर चुका था। इसमें मालाबार को छोड़कर दक्कन के सभी राज्य जुड़ चुके थे। अतः दक्षिण के इन राज्यों को कुशल प्रशासक देने के लिए द्वितीय राजधानी की योजना बनाई गई। उसके बाद दिल्ली से दौलताबाद, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मानचित्र है। मानचित्र आप अपने से घर में लेकर वहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा क्लियर नहीं है। सुल्तान ने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को राजधानी बनाने का विचार बनाया। देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा गया। दिल्ली से दौलताबाद जाते समय लोगों को रास्ते में कष्ट न हो इसलिए राज्य द्वारा सुविधाएँ भी दी गई। रास्ते का कष्ट तथा दौलताबाद की जलवायु दिल्ली वासियों को रास नहीं आई। वे वहाँ से दिल्ली वापस आना चाहते थे। दक्षिण का रहन सहन, खाना, वेशभूषा, मौसम आदि दिल्ली से भिन्न था। करीब दो वर्ष बाद सुल्तान ने दौलताबाद छोड़ने का निर्णय लिया। उससे महसूस हुआ कि
जैसे दिल्ली से दक्षिण पर नियंत्रण कठिन है, उसी प्रकार दक्षिण से दिल्ली पर नियंत्रण रखना भी कठिन है। इस प्रकार सुल्तान की द्वितीय राजधानी की योजना भी असफल हो गई। इसी प्रकार अंग्रेज़ों ने भी दिल्ली के साथ शिमला को अपनी द्वितीय राजधानी के रूप में विकसित किया था। होली के बाद दिल्ली की भीषण गर्मी से बचने के लिए वह शिमला चले जाते थे और वहीं से प्रशासन की देखरेख करते थे। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा, जिस समय सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की योजना बनाई, उस समय विश्व में चांदी उत्पादन में काफ़ी कमी आई थी। उस समय चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर मिश्रित धातु के सिक्के चलाने का आदेश दिया। इन सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर ही माना गया। वर्तमान में चलने वाले सिक्के जो है आप समझ सकते हैं, यहाँ पर उस समय चांदी के चलते थे। सांकेतिक सिक्कों के प्रचलित होते ही लोगों ने जाली सिक्के बनाना शुरू कर दिया। थोड़े ही दिनों में इन सिक्कों की भरमार हो गई। विदेशी व्यापारियों ने सिक्का को लेना बंद कर दिया, अतः भारत की चांदी यहाँ से बड़ी मात्रा में बाहर जाने लगी। सुल्तान ने सांकेतिक सिक्के बंद कर दिए। इन सिक्कों के बदले राजकोष से चांदी के सिक्के दिए गए। सांकेतिक मुद्रा, तांबे एवं पीतल के मिश्रित सिक्कों पर यदि कोई राज चिन्ह अंकित होता और सरकारी टकसाल पर उचित नियंत्रण होता तो शायद यह स्थिति न आती। इस योजना से राजकोष पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। मोहम्मद तुगलक द्वारा लागू की गई सारी योजनाएं असफल रहीं। यदि उसके स्थान पर आप होते तो क्या करते? तो कहने का मतलब कि मोहम्मद जो तुगलक था, एक तरीके की जितनी योजनाएं बताएं वो सारी योजनाएं जो है उसकी असफल हो गई। सुल्तान अपने शासन के अंतिम काल में राज्य की आंतरिक अशांति से परेशान रहा। उत्तर एवं दक्षिण दोनों भागों में विद्रोह शुरू हो गए। केंद्रीय शासन प्रणाली होने के कारण सुल्तान स्वयं दोनों स्थानों पर पूर्ण नियंत्रण न रख सका। दक्षिण में दो नए राज्य विजयनगर राज्य और बहमनी राज्य का उदय हुआ। पूर्व में बंगाल स्वतंत्र हो गया। सुल्तान अपने शासकों के अंतिम 16 वर्षों तक विद्रोह को शांत करने में एक तरफ से दूसरी तरफ भागता रहा। सिंध में विद्रोह के समय मोहम्मद बिन तुगलक बीमार पड़ा। 1351 ईस्वी में यहाँ उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक। 1351 में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। मोहम्मद तुगलक के शासन के अंतिम काल में साम्राज्य के विभिन्न भागों में बार बार विद्रोह हो रहे थे। अतः गद्दी में बैठते ही सुल्तान के लिए पहली समस्या ये थी कि विद्रोहों को शांत कर साम्राज्य के विघटन को कैसे रोका जाए। इसके लिए उसने अमीरों सेना तथा उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया और इस्लाम के नियमों के अनुसार राज्य प्रशासन चलाया। सुल्तान ने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कोई सैनिक अभियान नहीं किया। जो भी आक्रमण किए गए वो साम्राज्य की रक्षा के लिए किए गए। उसने उन्हीं प्रदेशों को अपने पास रखने की कोशिश की जिनका शासन केंद्र से आसानी से हो सकता था। उसका शासनकाल जन कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। तो मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद जो फिरोज शाह तुगलक था, ये क्या किया कि दूसरे राज्यों को लूटने या उसको जीतने के बजाय उसने जहाँ तक इसका केंद्र या इस जहाँ तक संतुलन बन सकता था, अधिकार या जमाए रख सकता था, वहाँ तक इसने केवल साम्राज्य पे अपना शासन किया। उसके बाद इसका शासन जो है जन कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। यह आपका है फिरोज शाह तुगलक का मकबरा दिल्ली लोक हित कार्य के लिए। कृषि की सिंचाई होती, उसने कई नहरों का निर्माण कराया, जैसे यमुना नहर, सतलज नहर आदि, जिनसे आज भी सिंचाई होती है। इससे कृषि की उन्नति हुई। बंजर भूमि से प्राप्त आमदनी को धार्मिक एवं शैक्षणिक कार्यों में खर्च किया। सुल्तान ने जौनपुर, फिरोजपुर तथा फिरोजाबाद आदि नए नगरों की स्थापना की। उसने प्रजा के लिए सरायों, जलाशयों, अस्पतालों, बगीचों तथा पुलों का निर्माण एवं मरम्मत करवाई। दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की, जिससे विधवाओं, अनाथों एवं लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। सरकारी खर्च पर योग्य वैद्यों द्वारा औषधियों में भोजन दिए जाने की व्यवस्था की थी। बेरोजगार लोगों को नौकरी देने हेतु उसने सर्वप्रथम एक रोजगार कार्यालय स्थापित किया। पूर्ववर्ती शासकों द्वारा दी जाने वाली कठोर यातनाओं को
बंद किया। लोकहित के कार्यों के कारण फिरोज तुगलक को याद किया जाता है। तो एक तरीके से फिरोज तुगलक जो है बहुत ही अच्छा आदमी था, उसने अच्छा शासन किया। उसके बाद फिरोज तुगलक ने अशोक के दो स्तंभों को दिल्ली मंगवाया, उसमें से एक को अपने राजमहल के परिसर में लगवाया। फिरोज शाह कोटला में स्थित अशोक स्तंभ की ब्रह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा। स्वच्छता के सात आयाम, मानव मल सुरक्षित निपटान, व्यक्तिगत स्वच्छता, पीने के पानी का रखरखाव, घर एवं भोजन की स्वच्छता, कूड़ा करकट का सुरक्षित निपटान, बेकार पानी की निकासी, ग्रामीण स्वच्छता, ये सब उसके नियमों में शामिल था। कुछ जो है शब्दावलियाँ हैं, दोआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र, जैसे गंगा यमुना का दोआब। टकसाल का मतलब वह स्थान जहाँ मुद्रा ढाली जाती थी। सांकेतिक मुद्रा, तांबे व पीतल की मिश्रित धातु से बनी मुद्रा जिसका मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर होता था। दीवाने खैरात, जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाला विभाग को हम लोग दीवाने खैरात कहते थे। तो ये आपका ये भी चैप्टर समाप्त हो गया, आप इसको अच्छे से सुन सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।